एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टैनिंग की। टैनिंग आजकल एक बहुत मेन समस्या है जो हर किसी को हो जाती है। टैनिंग से सभी लोग अक्सर परेशान रहते हैं। उस टैनिंग की रिमूविंग की काफ़ी क्रीम्स आती हैं, लेकिन जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट क्रीम है टैनिंग रिमूव करने के लिए। ये है नेचर एसेंस की रेमेडी फॉर टैन रिमूवल मिल्क एंड हनी लैक्टो ब्लीच। वैसे तो इसको ब्लीच बोलते हैं, लेकिन ये टैन रिमूविंग क्रीम है। ये ब्लीच की तरह बिल्कुल काम नहीं करती। ये काफ़ी लाइट है। ये जो है आपके फेस को बिल्कुल नुकसान नहीं देती है। ये अक्सर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको ब्लीच जो है वो सूट नहीं करती है, या फिर जो एक्टिवेटर है उससे आपको जो है एक्ने वगैरह हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये ब्लीच बनाई गई है। इसमें ये रेडी टू यूज़ ब्लीच है। इसमें एक्टिवेटर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ इसको अप्लाई करना है। किस तरह से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इसमें है स्टेरिक एसिड, सैटेकाइड अल्कोहल, कोसोस न्यूफ्रिया ऑयल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरीन, मेथाइल सोडियम एक्टा, वाइटामिन ई एसिसेट, पैरा अमीनो बेंजोइल, परफ्यूम एक्वा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं पैकेजिंग की। ये येलो कलर की एक पैकेजिंग में है और 100 ग्राम का ये पैक आपको 175 यानी 175 रुपीज़ में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नेचर्स का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूज़फुल है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं इसका रिव्यू आपके सामने कर रही हूँ। तो दोस्तों ये जो क्रीम है इसको आपको अब किस तरह से अप्लाई करना है। आपको सबसे पहले अपने फेस को साफ़ करना है। फेस को साफ़ करने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। इसका जो टेक्सचर है काफ़ी क्रीमी है, ईजिली लग जाता है आपके फेस पे। इसकी एक थिक लेयर आपको अपने फेस पे लगानी है, जिस तरह से आप ब्लीच लगाते हैं उसी तरह से। ये है भरपूर है ये प्रोटीन से और हनी से, जो स्पेशल स्किन ब्लीच कहलाई जाती है। ये रिमूव करती है सन टैन को और आपकी स्किन को फेयर बनाती है और नेचुरल फेयरनेस आपकी स्किन को देती है। ये ऑल्सो ये प्रिवेंट करती है पिगमेंटेशन को और आपकी जो स्किन को हार्मफुल जो सन रेज हैं उनसे भी ये बचाती है, और आपकी स्किन के जो स्किन टोन है उसको एनहेंस करती है और आपके फेस को ग्लोई बनाती है। तो सबसे पहले इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको इसको अप्लाई करना है जिस तरह से हम आपको हाथ पे डेमो करके दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको फेस पे लगाना है। उसके बाद 10-15 मिनट इसको लगे रहने देना है। ये दोस्तों बिल्कुल इचिंग नहीं करती है। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कि जो आप अक्सर जो क्रीम आप ब्लीच लगाते हैं वो आपके फेस पर इचिंग करती है, ये बिल्कुल इचिंग नहीं करती है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है नेचर एसेंस का। इसको इस तरह से लगाने के बाद आपको 15 मिनट इसको छोड़ देना है। उसके बाद 15 मिनट्स के बाद आपको अपने फेस को वेट टॉवल से क्लीन करना है, और वेट टॉवल की क्लीन करने के बाद आप इसको ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। रिजल्ट आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको देखने मिल जाएगा जिस तरह से ये काम करती है। और ये इतनी नेचुरल प्रोडक्ट है कि आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फेस को हार्म नहीं करती है और आपकी फेस को हार्म ना करते हुए भी आपकी टैनिंग को रिमूव कर देती है और आपका फेस काफ़ी ग्लोई बना देती है। तो ये था हमारा रिव्यू। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। इसको आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यूं ही बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस से आप नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।